शहीरा ब्लॉग और अभी हम लोग सुबह उठते के साथ ही जो है बस फ्रेश होके पार्लर आज पार्लर पहुंच गए हैं वलीमे के लिए रेडी होने। अभी बजे आएगा ना भिड़ो। 2 बजे हम लोग यहाँ पर आए हैं। आई थिंक वी आर गेटिंग लिटिल लेट है। वो सीट बनवा ली है। हेयर टू की 1500 की हम लोग की स्टाइलिंग हो रही है। मैं हेयर टेक्सचर करवाऊंगी। मैं उसके लिए वेटिंग पर हूँ अभी क्योंकि ऑलरेडी लेडी बैठी हुई है टेक्सचर करवाने के लिए। सॉन्ग्स की वजह से जो है आवाज़ का थोड़ा आई थिंक इशू हो सकता है। थोड़े से इंतज़ार के बाद फाइनली मेरी स्टाइलिंग हो गई है शुरू। अभी जो है वो साइड की ब्रेड बन रही है। मैंने लास्ट वीक इसे स्टाइलिंग करवाई थी। जब भी आती हूँ इसी लड़की से स्टाइलिंग करवाती हूँ। ये बहुत एक्सीलेंट स्टाइलिस्ट है काशीज की। मैंने स्टाइलिंग पे जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किया है बेसिकली और ये मेरा बहुत बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आया है इसका। ये मैंने पिक्चर देख के एक स्टाइलिंग जो है वो हेयर स्टाइल हेयर डू करवाया था और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किया है स्टाइलिंग। सब लोगों की लास्ट मोमेंट की प्रेस चल रही है तो बस उसके लिए थोड़ा सा वेट हो रहा है बट मैं बिल्कुल रेडी हो गई। तो मैं कार में बैठने के लिए जा रही हूँ। पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? एंड वी आर हियर एट द वेन्यू। ओह माय गॉड इट्स टू गुड यार। बहुत जबरदस्त है और यार हाल से ही बहुत जबरदस्त। चलो यार अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये एरिया ना मतलब जो ये साइड बनी हुई है एंट्रेंस की बहुत बहुत खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पर ना फोटोशूट बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ पे ब्राइडल शूट ऑलरेडी चल रहा था काफ़ी देर से तो उन लोगों के तो खूब मज़े आ रहे हैं। अभी हम लोग ज़रा फ्री हो जाएँ तो फिर हम लोग भी आके यहीं पर ही शूट करवाते हैं क्योंकि ये अंदर की तो मतलब लोग बैठ जाएंगे तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है पर ये अच्छा खासी बड़ी स्पेस है। आप ईज़िली कम्फर्टेबल होकर शूट करवा सकते हैं यहाँ। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सेटल डाउन हुआ है। फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया है। आखिर तक चलता रहेगा फ़ोटोशूट लेकिन अभी ये कि कुछ हद तक हो गया है काफ़ी जो पर सोलो होता है वो शूट हो गया है और हॉल बहुत खूबसूरत और पीसफुल एनवायरनमेंट है हॉल का ना बहुत ज़्यादा। हमारे मतलब आपको मत सिखा और आवाम जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। हॉल पूरा फुल होना स्टार्ट हो गया है। बैंक अभी कुछ वहाँ के रिलेटिव्स अभी वहाँ उन लोग मतलब जो इन लॉज की साइड के थे उन लोगों के रिलेटिव्स अभी नहीं आए हैं। उनकी फैमिली नहीं आई लेकिन हमारी फैमिली और बाकी जो रिलेटिव्स थे वो आना स्टार्ट हो गया और हॉल सडनली स्टार्ट हो गया है फुल होना। जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। बैक पे सारा स्टेज हमारा ये और ये है हम लोगों की टेबल जो बैक पे फैमिली बैठी है। ये जोया भाभी की फैमिली है। ये फ्लावर्स रखे हुए यहाँ पे टेबल पे सारे उठाओ प्लेट्स वन बाय वन। ये फ्लावर्स रखे टेबल पे ये सारे उठाइए। आप भी जाएं तीनों आराम से उठाइएगा गिरे ना। आई थिंक अब जो है वो ब्राइड की जो फैमिली है वो आ गई है। रमीज के इन-लॉज आ गए हैं तो अब हम लोग आई थिंक वेलकम के लिए जा रहे हैं। हम लोग तो चलते हैं। फ्लावर्स वहीं रखे हुए हैं ना प्लेट में? हाँ रखे हैं। और अब हम ये फ्लावर्स लेके जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए रिसेप्शन पर क्योंकि अब जो है वो इनकी फैमिली ऑलमोस्ट आने वाली है। दे आर कमिंग फ्रॉम देयर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है।
पंचायत ही है और अब आवाम को पता चलता है बस एंट्री होने वाली है, फ़ौरन पाकिस्तानी आवाम बस डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाए। फोटोग्राफर बेचारे चीख चीख के मर जाए, साइड पर जाना है, साइड पर जाए, बच्चों को साइड पर हटा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन भाई मजा ले किसी कान किसी के कान पर जूं तो रेंग जाए, जो कोई सुन ले उनकी बात। मुजल्फा स्पून यूज करें, मुजल्फा पानी बोतल लगता पे कर, पानी बोतल लगता पे कर। बारात में भी अच्छा था खाना, अनीसा ही नहीं बनवाया था। अच्छा, अंकल ने अनीसा ही को कह दिया था कि आप मैनेज। हाँ बैठे हैं मेरे अबू एट बिल्कुल एंट्रेंस पर। अच्छा मैं जाती हूँ, बिल्कुल लास्ट मेरे अबू बैठे हुए थे, मतलब डिनर वगैरह सारा मैनेज यही कर रहे थे, तो लास्ट में ये लोग सब ओवरऑल सबको मैनेज कर रहे थे कि गाइड कर रहे थे कि कहाँ डिनर किस तरह सर्व करना। हम लोगों यहाँ पे डिनर हो गया ऑलमोस्ट, जान गया है। आप आएंगे मेरे ब्लॉग में, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू माय व्यूअर्स? यू लुकिंग नाइस बाय द वे। क्या हुआ? और हमारा इवेंट हो गया बिल्कुल खत्म एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। If you like my vlog, please do like, share and subscribe Shahira Vlogs. Thank you.